हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक मॉन्स्टर मूवी ट्रोल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। फिल्म की शुरुआत में एक पिता टोबायस और उसकी बेटी नौरा शौक के तौर पर पश्चिमी नॉर्वे के ट्रोल पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। टॉप पर पहुँचने के बाद टोबायस अपनी छोटी बेटी नौरा को ट्रोल्स के कहानियों के बारे में बताता है। जाहिर तौर पर ये पुराने जीव कई हजार साल पहले पृथ्वी पर भटकते थे, लेकिन एक दिन जब वो सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आए तो वो पत्थर में बदल गए। टोबायस का मानना है कि ट्रोल अभी भी नॉर्वे के पहाड़ों के आसपास घूमते हैं। पहले तो नौरा इस कहानी को बकवास मानती है, पर उसे बाद में यकीन हो जाता है कि विश्वास के साथ किसी चीज को ढूंढो तो वो तुम्हें मिल ही जाती है। अब 20 साल के बाद हम नौरा से मिलते हैं जब कहानियों में नहीं साइंस में विश्वास रखती है और वो अब एक पैलेंटियोलॉजिस्ट है। एक साइट पर लगभग 6 महीने तक काम करने के बाद आखिरकार उसे एक रहस्यमय फॉसिल का पता चलता है जो एक डायनासोर का सिर है। इस बात से खुश होकर कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, नौरा अपनी टीम के साथ जश्न मनाती है। पास के डॉवरे माउंटेन्स में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वर्कर्स प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए पहाड़ में ड्रिलिंग और एक्सप्लोसिव लगाने में व्यस्त हैं। इस बीच प्रोटेस्टर्स की भीड़ कंस्ट्रक्शन के खिलाफ विरोध कर रही हैं, चिल्ला रही हैं कि सरकार को पहाड़ को जिंदा रहने देना चाहिए। उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए चीफ एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो और वर्कर्स फिर जाँच करने के लिए डोवरे गुफा के अंदर जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। थोड़ी ही देर बाद वो महसूस करते हैं कि जमीन हिल रही है और एक पुराना क्रिएचर पहाड़ के चट्टान से गहराई से उठता है। कुछ ही समय के बाद घटना की खबर ऑस्लो के नॉर्वेजियन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। साइट पर असली में हुआ क्या इसकी साफ तस्वीरें लेने के लिए जनरल ने एक एयरक्राफ्ट भेजने का फैसला किया। फिर वो प्रधानमंत्री को इस बारे में बता देता है। आगे हम नॉर्वे की प्रधानमंत्री और उसके एडवाइजर एंड्रियास को देखते हैं जो मिलिट्री बेस की ओर बढ़ रहे हैं। उनके रास्ते में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उन्हें सिचुएशन पर अपडेट देते हैं और बताते हैं कि इस घटना में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। फिर वो ग्राउंड जीरो की कुछ तस्वीरें देखते हैं और करीब से देखने पर हम जमीन पर एक विशाल छेद देख सकते हैं। एंड्रियास का कहना है कि ये विशाल छेद असली में पैरों के निशान है, लेकिन बड़े लोगों के बीच वो राय रखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इस बीच नौरा अभी भी अपने साथियों के साथ जश्न मना रही है। वो भाषण देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां आती है। फिर एक सोल्जर बाहर आता है जो नौरा को बताता है कि नौरा को ऑस्लो में प्रधानमंत्री ने बुलाया है। बिना समय बर्बाद किए वो हेलीकॉप्टर पर बैठती है और मिलिट्री अड्डे की ओर बढ़ती है। उसके आने के बाद एंड्रियास उसे सरकारी अधिकारियों से भरे कमरे में ले जाता है। नौरा उन्हें ज्वाइन करती है क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन पर बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर्स मानते हैं कि विनाश किसी प्रकार की गैस के कारण हुआ था, लेकिन नौरा को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि ये तो फुटप्रिंट है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छे से देखने के बाद उसे शक होता है कि ये एक जानवर है जो पहाड़ों से उभरा है। एंड्रियास का कहना है कि ये सुपरनेचुरल भी हो सकता है, लेकिन वो राय रखने के लिए फिलहाल क्वालिफाइड नहीं है। हालांकि सरकारी ऑफिसर्स ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये उसके कोई फॉसिल रिसर्च केसेस में से एक नहीं है। वो सारे ऑफिसर्स इस सब के पीछे किसी जानवर के होने की संभावना से भी इनकार कर देते हैं। तब इससे ग्रेड एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो नॉर्वेजियन आर्म फोर्स के लिए काम भी करती है, वो रूम में आती है और बताती है कि उस इंसिडेंट वाले जगह से उसे एक वीडियो मिला है। जब वो इस वीडियो को चलाते हैं तो ऑफिसर्स को लगभग 150 फुट ऊंची एक फिगर दिखाई देती है जो डोवरा गुफा से बाहर आती है, और ये आखिरकार उन्हें विश्वास दिलाता है कि नॉर्वे में कुछ विशाल शायद एक राक्षस आ गया है। लेसजा नाम के एक एरिया में बूढ़े कपल चाय पीने के लिए बैठते हैं। तभी वो दूर से दहाड़ की आवाज सुनते हैं। इसके तुरंत बाद उनके मेज हिलने लगती हैं, जिससे आसपास के बर्तन गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह भूकंप है, इसलिए वो जल्दी से अपने सेफ्टी वॉल्ट के नीचे छिप जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वो वॉल्ट के बाहर निकलते हैं और अपने घर को चकनाचूर पाते हैं। इस बीच नौरा प्रधानमंत्री को बताती है कि वो डोवरा घटना को सॉल्व करने के लिए तैयार है। दूसरे ऑफिसर सहमत हैं और उसे एक साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में असाइन किया जाता है। मीटिंग के बाद पीएम का एडवाइजर एंड्रियास नौरा को लेसजा घटना के बारे में बताता है और दोनों जल्दी से एक हेलीकॉप्टर से उस साइट पर जाते हैं।
अपनी उड़ान के दौरान वो थोड़ा बातचीत भी करते हैं एंड रियाज ठीक से अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर नोरा से पूछता है कि वो पैलेंटोलॉजिस्ट क्यों बनी। नोरा जवाब देती है कि वो बचपन से ही नेचर से हमेशा प्यार करती है। वो ये भी बताती है कि उसके पिता टोबायस एक फोल्कलोर एक्सपर्ट थे, लेकिन फिलहाल उनका रियलिटी से कॉन्टैक्ट टूट गया है क्योंकि वो कहानियों पर विश्वास बहुत करने लगे थे। एक वक्त उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन इसके बाद एंड्रियास ने नोरा से कहा कि वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था और वो एक मॉन्क के बारे में एक कहानी पर काम कर रहा है जो अपने सिर को चीरता है और दुश्मनों पर काटने के लिए फेंक देता है। ये काफी इनोवेटिव है। एक बार नोरा और एंड्रियास साइट पर पहुंचते हैं, वो तबाही को देखकर दंग रह जाते हैं। जल्दी उन्हें स्पेशल ऑपरेशन कमांड से कैप्टन क्रिस होम्स उन्हें वेलकम करता है। क्रिस ने दोनों को सिचुएशन के बारे में बताया, ये समझाते हुए कि जानवर 2 मील दूर दक्षिण के पहाड़ों में चला गया है, लेकिन आसपास तलाशी लेने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये लगभग वैसा ही है जैसे वो बड़ा राक्षस कहीं गायब हो गया हो। इसके बाद तीनों उस बूढ़े कपल से बात करते हैं जो अभी भी इस घटना से सदमे में है। पत्नी ने खुलासा किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा, हालांकि उसने एक अजीब तरह की आवाज जरूर सुनी। आवाज भयानक थी, किंग कॉन्ग की तरह। अफसोस की बात है कि जानकारी ठोस नहीं है, इसलिए नोरा खुद ही आसपास की जगह को चेक करती है। अचानक उसे एक अजीब सी गंध आती है जिस वजह से वो एक विशाल पैरों के निशान में उतरती है। नोरा उसके बाद सुरागों के लिए एरिया को स्कैन करती है, लेकिन अजीब बात है कि इसमें कोई भी बायोलॉजिकल साइन नहीं है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि ये जानवर जिंदा ही नहीं है। अब मिले सबूत से कुछ न होने पर नोरा अपने पिता से मदद लेने का फैसला करती है जो लोगों से दूर एक पहाड़ में रह रहे हैं, वो भी अकेले। नोरा कैप्टन क्रिस और एंड्रिया से एक हेलीकॉप्टर में उस जगह के लिए निकलते हैं। टोबायस तो पहले इंसान को देखकर भड़क जाता है, पर अपनी बेटी को देखकर वो शांत होता है और इतने सालों के बाद भी वो अभी भी ट्रोल्स नाम के पुराने जीवों पर रिसर्च कर रहा है। थोड़ी देर के बाद तीनों टोबायस को वो वीडियो दिखाते हैं। ये देखकर टोबायस चौंक जाता है, वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वो यहाँ है। नोरा ये सबसे कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना कि कहानियां इस सबका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हालांकि टोबायस अपनी थ्योरी पर अड़ा हुआ है और कहता है कि नॉर्वे के क्रिस्टलाइजेशन के कारण ट्रोल्स विलुप्त हो गए थे। टोबायस कहता है कि वो सच्चाई सबको बताने ही वाला था, लेकिन उसे पागल नाम दे दिया गया। फिर वो अपना बैग उठाता है और नोरा से कहता है कि वो एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। इसके बाद हम नोरा, उसके टीम और टोबायस को हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक पहाड़ के पास आते हैं और टोबायस चारों ओर देखने लगता है। उन्होंने नोटिस किया कि यह जगह पूरी तरह से बदल गई है। इस बीच नोरा को उसी जगह अजीब सा गंध का एहसास होता है जिसे वो हाइपर नेचर कहती है। जैसे ही वो चारों ओर जगह को स्कैन करती है, अचानक एक बड़ी सी चीज को वो देखती है जो उसके पीछे जागती है। ये एक बहुत बड़ा सा ट्रोल है जिसने खुद को एनवायरमेंट में घुलने मिलने के लिए खुद को कैमोफ्लाज से ढक लिया है। एंड्रियास और दूसरे ये लोग देखकर जल्दी से चॉपर चालू करते हैं। पूरी टीम वहां से निकल जाती है। एक बार जब वो सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो ऑस्लो में सरकारी ऑफिसर्स को ये वीडियो दिखाते हैं। अब हर कोई ये मानने को मजबूर है कि ट्रोल्स असली में होते हैं। कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री कैप्टन के लीडरशिप में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करती है। जल्दी सैकड़ों सोल्जर्स देश के सबसे खतरनाक हथियारों के साथ इकट्ठा हो जाते हैं ट्रोल्स को मारने की तैयारी में। हालांकि उनके गोली मारने के बावजूद ट्रोल्स को कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसके पास फिर से ठीक होने की शक्तियां हैं और वो खून को सूंघ भी सकता है। सैनिकों में से एक को मारने के बाद टोबायस खड़ा हो जाता है और राक्षस को शांत करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि प्लान काम कर रहा है। हालांकि उसी समय एक और गाड़ी आती है और ट्रोल को गोली मारने लगती है, और जैसे ही ट्रोल मुड़ता है बाकियों को कुचलने के लिए टोबायस अनजाने में ट्रोल की पूंछ से टकरा जाता है जिससे वो उड़ कर जमीन पर गिर जाता है। वो नोरा को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि उसके साफ साफ कुछ कहने से पहले ही टोबायस मर जाता है। उस रात नोरा अपने पिता को याद करते हुए उसके जर्नल पढ़ती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ट्रोल को कैसे रोका जाए या उसे बेहतर तरीके से समझा जाए। घंटों पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रोल्स चर्चों पर बोल्डर फेंकते थे क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज से नफरत थी। बाद में वो ऑफिसर्स को ये जानकारी बताती है, ये दावा करते हुए कि उन्हें कुछ थोड़ा हटकर सोचना होगा। डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की अतरंगी प्लान के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जबकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए जनरल और प्रधानमंत्री नोरा का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टरों को देखते हैं जिनमें से हर में एक बड़ी चर्च की घंटी जुड़ी हुई है।
जो ट्रोल की ओर बढ़ रही है। शुरू में तो प्लान काम करता नजर आता है और घंटियों की आवाज से ट्रोल कमजोर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा हो जाता है और ज्यादातर हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। इसके साथ नौरा का ये प्लान भी फेल हो जाता है, जिससे और भी ज्यादा लोग मरते हैं और विनाश होता है। मामले को बदतर बनाने के लिए दुनिया भर के न्यूज चैनल इस राक्षस वाले न्यूज को प्रसारित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को शांत करने की कोशिश करने के लिए टीवी पर भाषण देती है। सबसे पहले वो अपने ऑफिसर्स के फेल होने के लिए माफी मांगती है और फिर वो इमरजेंसी की घोषणा करती है। वो ओस्लो और आसपास के एरिया के निवासियों से तुरंत शहर खाली करने को कहती है, क्योंकि किसी कारण से ट्रोल सीधे ओस्लो की तरफ जा रहा है। इस बीच प्लान फेल होने के कारण नौरा को हेडक्वार्टर से जाने को कहा जाता है। दूसरी ओर एंड्रियास को पता चलता है कि ट्रोल को नष्ट करने की उम्मीद में सरकार ओस्लो में बमबारी करने का प्लान बना रही है। इस पर उसके कुछ आइडियाज है, लेकिन वो अभी भी एक राय रखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए वो मीटिंग रूम से निकल जाता है। नौरा और एंड्रियास दोनों तब हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। देखते ही देखते हजारों लोग शहर छोड़ने के लिए सड़कों पर भीड़ लगाने लगते हैं। एंड्रियास और नौरा भी इनमें शामिल हैं। नौरा अभी भी निराश है कि वो ट्रोल का समाधान नहीं ढूंढ पाई और अपने पिता के जर्नल को वो देखती है और उसे एक सुराग मिलता है। उसने जर्नल में कई बार लिखे गए सिंडिंग वर्ड को नोटिस किया। एंड्रियास उसे बताता है कि सिंडिंग असली में ओस्लो के रॉयल पैलेस में रहने वाला एक राजकुमार है और वो जाहिर तौर पर देश के सबसे धनी लोगों में से एक है। इसलिए ये विश्वास करते हुए कि ओस्लो के रॉयल पैलेस में एक सुराग हो सकता है, दोनों पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पैलेस में पहुंचते हैं और रिकार्ड सिंडिंग से मिलते हैं, जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सिंडिंग उन्हें अंदर ले जाता है और अंत में वो नॉर्वे के ट्रोल्स के बारे में उन्हें सच्चाई का खुलासा करता है। जैसा कि ये पता चला, टोबायस बिल्कुल सही था। ये पुराने जीव असली में एक समय पृथ्वी पर रहते थे। महल में सिंडिंग नौरा और एंड्रियास को टनल में ले जाता है, जहां सिंडिंग ने खुलासा किया कि उसने और दूसरे ऑफिसर्स ने ट्रोल्स के रहस्य की रक्षा करने के लिए टोबायस के करियर को खत्म कर दिया। जब नौरा के पिता सच्चाई के करीब पहुंच गए थे, तो सिंडिंग ने ट्रोल्स की रहस्य की रक्षा करने के लिए टोबायस को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया, और वहां टनल के अंदर एक ट्रोल परिवार की हड्डियां भी होती है। रॉयल पैलेस को ट्रोल किंग के गुफा के ऊपर बनाया गया था, जब क्रिश्चियंस ने ट्रोल के परिवार का नरसंहार किया और उसे पहाड़ के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस ट्रोल ने देश भर में कहर बरपा रखा है, वो असली में ट्रोल किंग ही है। यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि राक्षस ओस्लो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो घर लौटने की कोशिश कर रहा है। सिंडिंग ये भी समझाना जारी रखता है कि ट्रोल्स के लिए परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और नॉर्वे के क्रिश्चनाइजेशन के दौरान ट्रोल किंग को डोवरे पर्वत पर ले जाया गया और कैद कर लिया गया। बेशक पहले के धमाकों ने उसे बाहर निकाल दिया और अब वो अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करने के लिए ओस्लो वापस जा रहा है। सच्चाई जानने के बाद नौरा और एंड्रियास का तो होश ही उड़ जाता है। जब वो ट्रोल परिवार के कंकालों के अवशेष देखते हैं, तो वो और भी डर जाते हैं। जब नौरा हड्डियों पर अपनी यूवी लाइट डालती है, तो वो देखती है कि वो जल रहे हैं। ये तब होता है जब उसे पता चलता है कि ट्रोल को रोशनी पसंद नहीं है, और उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद नौरा सिंडिंग को उसे सबसे बड़ी गाड़ी देने के लिए कहती है, इसलिए वो उसे रानी का पसंदीदा पिकअप ट्रक दे देता है। इसके बाद वो कैप्टन को कॉल करती है और उसे प्लान के बारे में जानकारी देती है। वो ट्रोल किंग को टैनिंग बेड से घेरना चाहती है और उसे यूवी लाइट्स के कॉन्टेक्ट में लाना चाहती है, जबकि कैप्टन अपने कुछ साथी सोल्जर्स को ट्रोल ट्रैप बनाने के लिए कहता है। एंड्रियास ओस्लो मिसाइल बॉम्बिंग प्लान में देरी करने के लिए अपनी सरकारी फैसिलिटी वाली दोस्त सिगरेट से मदद मांगता है, और सिगरेट एक हैकिंग जीनियस निकली और वो फाइटर प्लेन को राक्षस पर मिसाइल दागने से रोक लेती है। ओस्लो को बचाने के लिए एंड्रियास और नौरा प्लान में लग जाते हैं। सबसे पहले वो ट्रक के पीछे से एक बड़ा कपड़ा हटाते हैं और एक ट्रोल बच्चे की खोपड़ी वहां होती है, और वो आगे बढ़ने लगते हैं और राक्षस को यूवी लाइट की ओर ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ट्रोल अनजाने में खोपड़ी को तोड़ देता है और महसूस करता है कि उसके पास कोई परिवार नहीं बचा है। गुस्सा होकर वो अपना ध्यान नौरा और एंड्रियास की ओर डालता है और दोनों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। मिलिट्री अड्डे पर कहीं और सिगरेट रंगे हाथ पकड़ी जाती है, पर जनरल ने भी मिसाइल प्लान को रद्द करने का आदेश दिया, जब वो ये देखते हैं कि ट्रोल के आसपास नागरिक हैं। इस बीच नौरा और एंड्रियास किसी तरह ट्रोल को यूवी लाइट तक ले जाते हैं। बिना समय बर्बाद किए मिलिट्री गाड़ी उसे घेर लेती है और राक्षस पर बड़े पैमाने पर यूवी लाइट्स चमकाने लगती हैं। प्लान काम करता है और ट्रोल धीरे धीरे जल कर मरने लगता है। हालांकि ट्रोल को सहता देखकर नौरा को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि जानवर को मारना गलत है, इसलिए वो लाइट को बंद कर देती है और वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। वो ट्रोल को पहाड़ पर जाने के लिए कहती है, जहां वो सेफ रहेगा।
लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अचानक सूरज उगने लगता है और ट्रोल किंग पत्थर में बदलने लगता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से पत्थर बन जाए, नौरा उसे धीरे से छूती है, जबकि बाकी सभी खुश होते हैं और वो इस चट्टान को नाम देती है टोबायस रॉक, अपने पिता के याद में। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ प्रधानमंत्री आती है और वो नौरा से कहती है कि तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। और एंड्रियाज अब हिम्मत करके प्रधानमंत्री को कहता है कि अब मैं एडवाइजर का जॉब छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे राइटर बनना है। और वहाँ से निकलते समय एंड्रियाज कहता है कि ऐसे और भी राक्षस जरूर होंगे गुफा की गहराइयों में, पहाड़ों के बहुत नीचे, जिसे सुनकर नौरा मुस्कुराती है। फिर हम डोवरा माउंटेन को देखते हैं उसी सुरंग में जहाँ से एक और ट्रोल बाहर आता है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई ट्रोल यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।